हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खाना की क्लास। आज सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जांपल 3.3 क्लास 12 का केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो इसमें फाइंड करना है कैलकुलेट ई सेल कैलकुलेट करना है आपको। तो ई सेल नर्वस्ट इक्वेशन आप पढ़े हैं, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस आर टी अपॉन में 2F होता है और ln जो कंसेंट्रेशन दिया हुआ है Mg2+ अपॉन में Ag+ दिया हुआ, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। अब इन सबकी वैल्यू प्रूव कर लेते हैं। देखिए उसकी वैल्यू E0 सेल की वैल्यू 3.17 दिया हुआ है वोल्टेज, माइनस R की वैल्यू है ना, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर 200 केल्विन और R की वैल्यू 8.3 समथिंग, F फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट 96487 कूलम्ब पर मोल, और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। या ऐसे लिख लीजिए कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। एंड टी की वैल्यू 298 केल्विन, और समझ में आ रही है। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.059 वोल्टेज अपॉन में 2। अब ये लॉग हो जाएगा, लॉग अब इन सबकी वैल्यू दे रखा है। एम जी की वैल्यू है 0.130 और ए जी की वैल्यू 0.0001 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एम जी और ये रिएक्टेंट ए जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने ये लॉग जो है 0.0 जो दिया हुआ है, लॉग 0.0 ये समथिंग, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये लॉग का फार्मूला होता है कि लॉग एम अपॉन में एन और लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं। एम की जगह पे 0.130, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 0.8 समथिंग वगैरह आएगा नंबर में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -8 आएगा, तो माइनस +8 हो जाएगा, ठीक है ना। और समथिंग ये वैल्यू को ये करने पर 7.1111 आ जाएगा, और ये डिवाइड करेंगे 0.059 से 2 में तो 0.0295 आएगा। देन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 आएगा, बट कुछ नंबर जो है हमने कम लिखा है ना, तो उसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये 0.21 वोल्टेज आएगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3.17 माइनस 0.21 वोल्टेज, वोल्टेज में चल रहा था ई सेल, तो माइनस कर लीजिए 3.17, 0.21 सेवन में से वन गया 6, 11 में से 2 गया 9 और 2.96 वोल्टेज आ जाएगा, 2.96 वोल्टेज ई सेल, ठीक है ना। यही आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जांपल 3.1 का सॉल्यूशन था। अब इसके बाद एग्जांपल 3.2 करते हैं। एग्जांपल 3.2 बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कॉपर और एज दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको नोट कर लिए। E0 सेल की वैल्यू दे रखा है और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। चलिए
नॉट सी इक्वल डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख देता हूँ जैसे उधर लिखा गया था तो ई नॉट लगा देंगे सेल्फ इज इक्वल टू 0.00 याद रखिए 0.059 वोल्टेज अपॉन में टू और लॉग के सी अभी के सी क्या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ठीक है ई सेल की वैल्यू क्या दे रखा है 0.46 वोल्टेज इक्वल टू 0.059 वोल्टेज अपॉन में टू लॉग के सी और यहाँ से क्या करेंगे लॉग के सी की वैल्यू निकालना है सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टू मल्टीप्लाई 0.46 वोल्टेज अपॉन में 0.059 वोल्टेज आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग के सी 15.6 लॉग के सी और यहाँ से के सी इक्वल टू इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप है ना इसको आप ऐसे ले सकते हैं 15 इसको ऐसे ले सकते हैं एंटी लॉग दो साइड लगा दीजिए लॉग एंटी लॉग लगा सकते हैं 15 और 15 बस ये 0.6 करके यहाँ भी लॉग लगा दीजिए एंटी लॉग ये सॉल्व इसको अलग से मैं सॉल्व कर दूँगा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अब ये 15 है तो लॉग 15 मतलब 10 to the power 15 तो 10 to the power 15 प्लस ये 3.92 हो जाएगा या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके कि 3. अरेंज कर लीजिए 10 to the power 15 ये कैसे किया जाएगा और एंटी लॉग बुक में पीछे दिया हुआ है आप देख सकते हैं वहाँ से जो ठीक है एग्जाम्पल 3.3 करते हैं एग्जाम्पल 3.3 सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3.3 क्या कह रहा है The standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 voltage. Zinc और copper वो होता है तो 1.1 voltage concentration आता ही measurement करने पर Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. Gibbs energy क्या होता है Delta R G not equal to minus N F E not cell नॉट सेल होता है वैल्यू प्रूफ करते हैं अभी भी बताया था ना इसकी वैल्यू क्या होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ए टू हो जाएगा ठीक है वैल्यू प्रूफ करते हैं एफ की वैल्यू क्या है 96487 ठीक है ना गुलाम पर मोल और ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 इसको सॉल्व कर लीजिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बता दीजिए 2.227 जूल पर मोल गिब्स एनर्जी डेल्टा आर जी नॉट ठीक है किलो जूल में करेंगे तो 1000 हो जाएगा ये माइनस 212 तीन डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 27 किलो जूल पर मोल मतलब 1000 का इसमें डिवाइड दे देंगे आप तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका एग्जाम्पल 3.3 ठीक है ये आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगा डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ फैराडे कॉन्स्टेंट और ई नॉट सेल और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है कॉपर जिंक में 1.1 वोल्टेज होता है ठीक है ना बाद जो है एग्जाम्पल 3.4 करते हैं एग्जाम्पल 3.4
बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो उत्तर मैं लिखने नहीं दूंगा, नहीं आप पर जगह कम है तो ये सॉल्व करते हैं इसको, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी, अल्टरनेटिवली इसे कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन द रेजिस्टेंस, इक्वल टू अदर सेल कांस्टेंट अपॉन द रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट सब आगे लिखी है अपॉन द रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल कांस्टेंट आपको हम निकाल सकते हैं, हमें निकाल रहा हूँ सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है सेल कांस्टेंट, इससे भी होता है जी स्टार, ये होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जी स्टार कंडक्टिविटी क्या दे रखा है 1.29 इसमें पर मीटर इनटू रेजिस्टेंस क्या है 1000 ओम, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.29 हो जाएगा, 1.29 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर हो गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ हो गया खुद के लिए 1.29, या लिख सकते हैं कि बस अगर अगर पर मीटर में लिखें तो ये पर मीटर में लिखें तो बस 1.29। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है अब केसीएल सॉल्यूशन के 520 ओम। ठीक है ना, इसको आप ये भी ले सकते हैं कि जी स्टार अपॉन आर, ठीक है जी स्टार अपॉन आर, तो देन इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये मिलेगा आपको 0.248 सेमिक पर मोल। ठीक है ना, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ये क्या है 0.02 मोल है पर लीटर, गिवन है 0.02 मोल पर लीटर गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एन इक्वल टू पी अपॉन सी, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा एम मतलब के अपॉन में सी लिख लेंगे। अच्छा, के की वैल्यू क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू 2.248 इंटू ये जो वैल्यू है 248 ये होगा इसी को 2.48 × 10⁻³ उसके ऊपर जब लेके जाएंगे 0.,  अब तो समझ रहे हैं 3 डिजिट के बाद जो ये यूनिट जो है पर कितनी वैल्यू, ये उसका जगह 10⁻³ हो जाएगा,
इसमें पर मोल को ऐसे लिख सकते हैं आप, गवर्नमेंट कंपनी गिवन है क्वांटिटी मोल पर मीटर क्यूब, हम इसको ध्यान देते रहिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 124 × 10⁻⁴ सिस्मिक मीटर स्क्वायर पर मोल, है ना सर? इस फिगर में दिया हुआ ये निकाल लेते हैं, एक के लिए क्या होगा 1.29 सेल कांस्टेंट निकाला है ना, सेल कांस्टेंट वो लिख लेंगे, सेल कांस्टेंट 1.29 स्टार रेजिस्टेंस 1.29 सेंटीमीटर पर मीटर और एक्सटेंड 520 ओम। जब इसको सॉल्व करेंगे आप 0.248 × 10⁻², एस सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है ना? एंड लैम्डा एम इक्वल टू होता है, लैम्डा एम इक्वल टू के इनटू 1000 कौन में 0.02 ये ना मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन, मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन 0.02 मोल पर लीटर। अब के की वैल्यू क्या है, की वैल्यू 0.248 × 10⁻², यानी कितना 0.248। सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.24 स्टार क्या है, सेल कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल 3.4 हो गया, 3.5 कर लेते हैं, 3.5 कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एंड मोरल कंडक्टिविटी ये कैलकुलेट करना है। सर्कल का एरिया तो आते हैं πr² की वैल्यू 3.14 और r दिया हुआ है रेजिस्टेंस, डायमीटर दिया 1 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 × 10⁻¹ कर लेते हैं, उनको नहीं करना, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर एरिया है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको एरिया 0.785 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं बताता हूँ कितना ये एरिया होगा। और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.785 सेंटीमीटर। तो 10^-2 तो एरिया है, तो 10^-4 मीटर स्क्वायर। कंडक्टिविटी अब निकालते हैं जो है। अच्छा, लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर, मीटर का कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन में एरिया होता है। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया, इसको रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी निकालना है तो आर ए ऊपर चला जाएगा, आर एल नीचे आ जाएगा। अब उन सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू क्या दे रखा है, आर की वैल्यू 5.5 × 10³ ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 5 × 10³ ओम, एरिया भी निकाला हूँ कितना निकाला 0.785 10^-4 सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यही होगा। अच्छा, लेंथ जो है लेंथ लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, एक्चुअली सेंटीमीटर में लिख कर देंगे तो भी आएगा वही मीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में ही बुक में दिया होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 87.135 ओम है, तो रेजिस्टेंस ओम में होता है, ठीक है ना। ये ओम है तो ओम अपॉन में अभी हो जाएगा, और सेंटीमीटर में ये रजिस्टिविटी, ये आ गया रजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए रजिस्टिविटी आ गया, अब निकालते हैं कंडक्टिविटी। अब क्या निकालते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू के इक्वल टू वन अपॉन में रो हो जाएगा। तो रो की वैल्यू क्या निकाला है, 87.135 ओम सेंटीमीटर। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपको 0.01148 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा। कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू तब लैम्डा एम निकालना है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन सी। अब वैल्यू पुट करिए, के की वैल्यू क्या है, 0.01148 × 1000 और कंडक्टिविटी सी की वैल्यू 0.05, ये जो है हो जाएगा 0.05, मैंने फिर कर लेता 0.5 मोल हो जाएगा, इवन है ये पर दिया हुआ 0.05 मोल पर लीटर। तो फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा एम क्या आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 229.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर पर मोल, पर मोल। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अब उसके बाद जो है ये भी मान टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एम, इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर तो रो इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करना है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल सेम वाई चीज। बस ये जैसे कि वैल्यू बुक की डायरेक्ट चाहते तो वही लीजिए, करने की दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू थी 5.5
10 to the power 3 ohm into area kya tha 0.785 into 10 to the power minus 4 meter square aur length kya tha 0.5 meter. So solve do karte aap 8.735 into 10 to the power minus 2 ohm meter. वही चीज के वाली वैल्यू सिंपल इसमें निकालना है सेंटीमीटर से मीटर में सेम वैल्यू 1/100 / 1/100 तो कर लीजिए वैल्यू 11 a into c upon c, so c की वैल्यू 1.148 upon c की वैल्यू 50 mol per meter cube, ठीक है ना? ये जो है आपका 1 meter, तो 11 a into c equal to 9.6 into 10 to the power minus 4 meter square per mole. ये हो गया आंसर. ये जो है सेंटीमीटर में था और इतना जो है ना पार्ट ये मीटर में, सेम वही चीज़ है और नोट कर लीजिए. एग्जाम्पल 3.5 हो गया और एग्जाम्पल करते हैं 3.5 के बाद 3.6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये थोड़ा नहीं होगा 3.6 कर लेते हैं. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल दिया हुआ है, ठीक है ना? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल डिफरेंट कंसंट्रेशन और 298 टेम्परेचर के लिए आर गिवन किलो यदि ये दिया हुआ है ये पर मोल लीटर दिया हुआ है 0.0189 और अगर दिया 0.0521 0.0.9898 और लैम्डा एम पर कंसंट्रेशन 0.0.1 और 0.1427 सी की पावर 1/2 जो दिया हुआ ना, सी की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट सी, ठीक है ना? अंडर रूट सी मतलब इसको सबका रूट निकालेंगे हम लोग. स्टेट लाइन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम एंड ए फॉर केसीएल. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन. क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन. इतनी वैल्यू दी है ना, सबका स्क्वायर रूट लिया जाएगा. मतलब इन सबको रूट में वैल्यू पुट करेंगे 0.00198. अगर इसको आप पुट करेंगे कैलकुलेटर में या सॉल्व करेंगे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो यह आएगा आपका 0.01407. फिर इसकी इसकी वैल्यू रूट में पुट करेंगे 0.00309. ये वैल्यू आएगी आपकी 0.0
1758। फिर तीसरे वाले को पुट करेंगे 0.00521, ये वैल्यू आएगी 0.02283। फिर चौथे के पुट करेंगे वैल्यू 0.000989, तो ये आपको मिलेगा 0.00031 45। ठीक है ना, ये क्या मिलेगा आपको कंसेंट्रेशन स्क्वायर रूट करने का, सुन सकते हैं C1 पर मोल मीटर पर मतलब अंडर रूट, तो लैम्डा एम का बता दीजिए ना, लैम्डा एम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये सेम रहेगा 1481611, 48.29 और 147.81 एंड 147.29। बोला था प्लॉट करने के लिए, प्लॉट कर लीजिए, वो तो दिया होगा ठीक है ना, दिया होगा प्लॉट कर लीजिए। बेसिकली वो आपको यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आता है कि ये आया रूट का रूट स्क्वायर रूट करने का, क्या करने पर स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन करने पर ये प्लॉट कर लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है ना। क्वेश्चन हो गया 6, अब करते हैं 7। कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, ठीक है ना, 7 में क्या करना है, लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना है और CaCl2MgSO4 का डाटा गिवन है, सबकी वैल्यू डाटा गिवन है बुक में, तो वहाँ से आप उसको लर्न कर लीजिएगा एंड सॉल्व करके। अब देखिए Cl2 ना, ये जो नीचे 2 लिखा है ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो Cl माइनस चार्ज कौन होता है, एकदम लिखेगा लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये लिखने का तरीका है, तो Ca+Cl2 ऐसे लिख सकते हैं, Ca का +2 चार्ज होता है, इसका माइनस चार्ज होता है, तो किसी को लैम्डा लगा दिया बस आगे, लैम्डा नॉट Ca+2 चार्ज प्लस ये 2 आगे चला जाएगा 2 लैम्डा नॉट Cl-, ये चीज़ दिया गया, बात समझ में आ रही है ना, इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है चार्ट में, अब लाइन ऊपर लिखा हुआ है, पुट कर लीजिए Ca की वैल्यू 119.0, और इसकी वैल्यू दे रखा इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा 76.3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 119.0 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6, दोनों को जब प्लस कर लेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही कैलकुलेट करना है, ये सब देखने को लग रहा है ना 3-5 शायद लग रहा है, कुछ है नहीं थोड़ा सा टाइम, ये फिर से आइडेंटिटी होती है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 3.8 कर लेंगे, हाइड्रोजन एसिटेट,
सोडियम क्लोराइड NaCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है और सोडियम एसिटेट दिया हुआ, एसिड दिया हुआ है, ऐसे की वैल्यू दे रखा है तो लिख लेंगे हम लोग लैम्डा नॉट एम NaCl के लिए दिया हुआ है ना, प्लस निकालना है हाइड्रोजन एसिटेट लैम्डा नॉट हाइड्रोजन एम लगा दीजिए एच ए सी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम एच सी एल भी दिया है प्लस लैम्डा नॉट एन एस सी एल सोडियम स्टेट भी दिया है तो लैम्डा नॉट एन एम ये निकालना है आपको इसको राइट साइड भेज देंगे लैम्डा एम नॉट एच ए सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट एच सी एल प्लस लैम्डा एम नॉट एन ए सी माइनस लैम्डा एम नॉट एन एच सी एल चार से डाटा गिवन है इसका दिया है 4.5 प्लस एन ए इसका दिया हुआ 9.1.0 माइनस 1.6.4 स्क्वायर पर मोल होता है इनका प्लस करके जो आएगा माइनस कर दीजिएगा 390.5 एफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा यही फाइंड आउट करना इम्पॉर्टेंट है या छूट देगा नोट कर लीजिए उसके बाद नाइन पर एग्जाम्पल नाइन क्या कैलकुलेट करना है इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड यह है वैल्यू 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल तो अभी लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी होता है ए की वैल्यू दे रखा है 4.95 इंटू 10^-5 और सी की वैल्यू 0.01 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिलेगा 0.001 per liter और
अल्फा की वैल्यू स्क्वायर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 0.1233 का स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, यही सेम वैल्यू 0.1233। अब इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 1.78 × 10⁻¹⁵ मोल पर लीटर। नोट कर लीजिए 3 पॉइंट बोल रहा है, और व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है ना, चलिए करते हैं इसको। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम होता है। उसके बाद क्या करेंगे, और ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कॉपर by 2 mole of electron है, 2 अपने में 3 mole of electron है, 3 अपने में यहाँ required 2 mole of electron है, required 2 mole in है, 2 mole of electron, 2 electron required 2 mole of electron, then 2F, 2 into Faraday constant की value होती है 96487 कूलम्ब, 96487 कूलम्ब, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे कॉपर का कितना होता है मोल नंबर, मोलर मास ऑफ कॉपर 63 ग्राम हो जाएगा, और 900 कूलम के लिए, और 900 कूलम के लिए मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, मास
कॉन्स टू या जो निकाला है वैल्यू 1919 सॉल्व करेंगे तो 0.0938 ग्राम। तो यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जांपल तो खत्म हो गया, एग्जांपल के क्वेश्चन लिखने के लिए खत्म हो गया। अब तो फिर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। ओके, नोट कर लीजिए।